हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर सरप्राइज। मैं हूं जोकर राजा और आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो ज़्यादातर लड़के मुझे कमेंट में पूछते हैं। यानी कि क्वेश्चन ही एक ही, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों का एक क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लड़के ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे पता करूँ कि कोई जो मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ, मैं उसको पसंद करने लगता हूँ, क्या वाकई में वो लड़की मुझे लाइक करती है या नहीं करती। मेरे को ये जानना है क्योंकि कभी हमें लगता है कि लड़की मेरे तरफ देखती है, मेरे तरफ हंसती है और उनके हरकतों से ऐसे पता चलता है कि वो मुझे लाइक करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है कि वो हमें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तो लड़कों के लिए ये चीज़ जानना, पहले कन्फर्म करना कि मुझे लाइक करती है या नहीं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। तो मैंने इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा है और मैं आपको इसके आंसर दूंगा, तो आप प्रॉपरली समझ सकोगे कि क्या आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो भी आपको लाइक करती है या नहीं। देखो, इस चीज़ में दो चीज़ें हो सकती है कि अगर कोई लड़की आपके ग्रुप में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो भी ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की के आपको लाइक करती है और शायद आपको पता नहीं है और आप उसे लाइक करते हो, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती है। और कई चीज़ ऐसी होती है कि कोई लड़की ऐसी अननोन है, यानी कि दोस्त नहीं है, आप उनसे कभी मिले नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ आपको देख कर ही लाइक करती है, आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उम्र बहने में कुछ जानती भी है या नहीं जानती। आपने तो उनको पसंद करते हैं इसलिए आपने तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स या वहाँ से इकट्ठी कर रखी है। तो ऐसी पहले मैं बात करूँगा ऐसी अननोन लड़कियों के बारे में जो आपकी दोस्त भी नहीं है। वो आपको अगर लाइक करती है तो उनको जानने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कि वो लड़की मेरे को लाइक करती है या नहीं, एक आप किस तरह से जान सकते हो। तो आपको एक चीज़ करनी होगी, अगर लड़की आपकी दोस्त नहीं है तो लड़कियां हमेशा ग्रुप में सोचती है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो ग्रुप में होती है कि वो लड़कियों को आप अगर आपको लाइक करती है तो अपने फ्रेंड को जाके बड़े बताएगी। हालांकि वो ऐसा नहीं बताएगी कि मैं उस लड़के को लाइक करती हूँ, हाँ अच्छी फ्रेंड होती है तो वो भी बताती है, यानी कि लड़कियों को पता भी होती है, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातें लड़कियाँ नोटिस करती है। अगर वो लड़की अननोन है तो सबसे पहले चीज़ वो करेगी कि आपके बारे में जानना चाहेगी, आपकी चीज़ों को नोटिस करेगी, आपका ड्रेसिंग सेंस नोटिस करेगी, आपके दोस्तों को नोटिस करेगी, आपके बैकग्राउंड को जानने की ट्राई करेगी और वो सारी चीज़ें अपनी दोस्तों के साथ शेयर करेगी। तो आपको ट्राई करनी है कि उनकी जो और लड़कियां दोस्त हैं उनके साथ आपकी कोई कनेक्शन बन सकती है, वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ऐसी कोई कुछ भी कनेक्शन है तो वो उनके साथ दोस्तों के साथ वो ज़रूर बातें शेयर करेगी कि अगर आज राहुल ने वो व्हाइट वाली शर्ट बहुत मस्त पहनी थी, उनकी हेयर स्टाइल कितनी मस्त है। अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है तो उनके ग्रुप में आपके बारे में ये बातें 100% होती रहती है। लड़की अननोन है, आपकी दोस्त नहीं है, तो आप नोटिस करोगे ये चीज़ें कि आप कहीं सामने से आ रहे हैं, लड़की आपको क्लास में या आपकी कॉलेज की लॉबी में मिल रही है तो हमेशा वो आपको देखकर नजरें अपनी चुका लेती है, थोड़ा सा तेज चलने लगती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ें आपको देखने को, और हल्का सा हंसती भी है, क्योंकि जब भी उनका आपका उनका आमना सामना होता है तभी उनके दिमाग में जो प्यार वाला, जो लव वाला केमिकल है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो एकदम से अवेयर हो जाती है। जैसे आप कोई बड़े इंसान से, आपके सामने अचानक से कोई देश के प्रधानमंत्री आ गए और आप कैसे ऐसे अवेयर हो जाते हो, अपने आप को जगा लेते हो और आप ऐसी कोई चीज़ें मिस करना नहीं चाहते जिससे आप उनकी कोई बुरी इंप्रेशन पड़े आप, ये इसलिए वो अचानक से अवेयर हो जाती है, एकदम सजग होके चलने लगती है, उनके कदम है थोड़े से तेज हो जाते हैं, उनकी नज़रें थोड़ी सी नीची हो जाती है और उनके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है जिनसे साफ पता चल जाता है कि वो लड़की आपको लाइक करती है। तीसरी नज़र से देखने वाली जो लड़कियों के पास स्ट्रीक होती है ना, वो लड़के ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि कोई लड़की आपको नोटिस कर रही है या छुपके से देख रही है, लेकिन अगर ध्यान से करोगे कि आप कहीं अपने ग्रुप में बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो लड़की आपको छुप छुप के नोटिस करेगी, आपकी हरकतों को देखेगी कि ये लड़का क्या करता है, किस तरह से बिहेव करता है, अपने दोस्तों के बीच कैसे रहता है। तो जो लड़की होती है अननोन, जो आपको जानने की ट्राई करती है, उनकी ना दिमाग की पूरी मतलब ऐसी एक्टिव हो जाती है, एक खुफिया एजेंसी की तरह वो टूट पड़ती है, अपने दिमाग को पूरा काम पे लगा देती है और यही चीज़ करती है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले।
तो उनकी निगाहें हमेशा अगर वो कॉलेज के दूसरे चेहरे पे है ना तो उनका ध्यान आपकी तरफ होगा और कहीं ना किसी ना किसी वो आपको नोटिस कर रही रही होगी या अपने दोस्तों से डायरेक्टली या किसी तरह से वो आपको नोटिस करती रहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खाना खाते हो, आप कैसी बाइक पर आते हो, कैसी बाइक पर जाते हो, ये सारी चीज़ें लड़की होती है वो नोटिस कर रहती है। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर अननोन लड़की आपको लाइक करती है तो 100% ये सारी हरकतें वो करती रहती है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आसान भी है जानना कि अननोन लड़की अगर आपको लाइक करती है या नहीं करती, लेकिन इससे एक और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपकी कोई ग्रुप में भी लड़की बैठी है वो आपको लाइक करती है, आपकी कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो लड़की आपको लाइक करती है, तो यहाँ पर थोड़ा समझना मतलब ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए मुश्किल, क्योंकि वो लड़की कई टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ घुल मिल गई है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती नहीं, कभी हमें ख्याल ही नहीं होता कि लड़की मुझे लाइक करती है या नहीं, कभी होता है कि हम कितने टाइम से उसे लाइक करते हैं, लेकिन हमें डर होता है कि कहीं हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम उसको प्रपोज नहीं करते। तो यहाँ पर जानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर वो लाइक करती है तो वो कैसी हरकत करती है। अगर आपकी कोई दोस्त होती है वो अगर आपको लाइक करती है तो आपके सामने अपने फ्यूचर के बारे में बात करेगी, क्योंकि लड़की होती है वो प्यार और मामलों में हमेशा आगे की सोचती है, लड़के सिर्फ एक दो महीने के लिए सोचते हैं कि मैं इसको पटाऊंगा और उसके साथ काम करूंगा और फिनिश करूंगा, मामला खत्म। लेकिन लड़कियाँ जब भी आपको देखती है और वो किसी को लाइक कर लेती है तो उनके साथ उनका फ्यूचर कैसा होता है, फ्यूचर को जोड़ के देखती है, उनकी फिलोसफी, उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही इस तरह से काम करती है, तो हमेशा आपसे बात करेगी कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, तुम किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हो, तुम किस तरह की पार्टनर को पसंद करोगे, कैसे मैरिज करोगे, ऐसी सारी फ्यूचर वाली बात करेगी। अगर आपकी दोस्त होगी तो आराम से बात करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या जानना चाहती है, तो देखना चाहती है कि आप कौन सी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, क्या वो उसमें फिट हो सकेगी, क्या आप उसे लाइक करते हो, तो हमेशा फ्यूचर को लेके और कहीं ना कहीं वो इन बातों में आपको इशारों इशारों में कह देती है कि हम दोनों का फ्यूचर ऐसा होगा कि हम दोनों अगर रिलेशन में आएंगे तो हमारा फ्यूचर ऐसा बन सकता है। अगर आपकी कोई दोस्त है वो अगर आपको लाइक करती है तो वो हमेशा ऐसे बहाने ढूंढती है, ऐसी बातों को छेड़ती है ताकि उनको आपके बारे में ज़्यादा या ज़्यादा जानकारी मिल सके, वो आपके बचपन की बातों को आपसे उगलवाएगी, वो आपकी फैमिली कैसा बैकग्राउंड है उसके बारे में बातें करेगी, यानी कि वो आपके साथ सेट होना चाहती है, तो वो जानना चाहती है कि असल में आप क्या हो, आप अपनी रियल लाइफ में क्या हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती है, आपके रिएक्शन देखती है, वो आपको बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे कि ऐसा हुआ था, कोई लड़का मुझे छेड़ता है तो इसमें ये हुआ, और फिर आपके फेस के ऊपर आपको फेस रीड करने की ट्राई करेगी कि आप क्या रिएक्ट करते हो, आप उनके लिए कोई सीरियस हो या नहीं, तो हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज को तराशती रहेगी कि और आपके बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगी। ग्रुप में बहुत और भी लड़के होंगे लेकिन आपका और उनका कोई खास रिलेशन है तो हमेशा वो अपने लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करते वो लड़की हमेशा आपके साथ शेयर करेगी, उनकी जो खास चीज़ें होगी जो बचपन से उन्होंने संभाल के रखी होगी वो चीज़ सिर्फ आपसे आपके साथ शेयर करेगी, तो इनका मतलब है कि वो लड़की आपको लाइक करती है क्योंकि वो मानती है कि वो और आप एक ही है, वो आपको बहुत ही लाइक करती है और अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है, तो उनके लिए अपने पास कोई पर्सनल चीज़ रखने के लिए होती नहीं है, इसलिए आपके साथ सब कुछ शेयर करती है, इसका मतलब कि आपकी दोस्त से वो आपको लाइक, हमेशा वो ऐसे रीजन ढूंढती है किसी ना किसी काम के जरिए, किसी ना किसी बात के जरिए वो पूरा दिन आपके नज़दीक रहने की कोशिश करेगी, आपसे चिपक के रहने की कोशिश करेगी, हर मामले में अपना ओपिनियन देगी, आपको उनके बारे में राय पूछेगी कि मैं ये कर रही हूँ तो ठीक है या नहीं, तो आपको ऐसे चीज़ें करेगी ताकि आपको एहसास हो कि वो आपके लिए कितना सीरियस है, आपके साथ अपना रिलेशन बनाना चाहती है, और हमेशा ऐसी चीज़ें करेगी कि किसी ना किसी बहाने से, कोई चीज़ लेने के बहाने से आपको टच करने की ट्राई करेगी, आपसे कभी दूर नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा ऐसी हरकत करती रहती है, तो आपको लगेगा कि ये मेरे बहुत ही क्लोज आ रही है, तो ये मेरी दोस्त बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी हो सकता है कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अपनी बहुत अच्छी पार्टनर भी बन सकती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर आंसर दूंगा, थैंक यू वेरी मच।